मेरा नाम सहर है और मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करनी थी जो कि मेरी खाला से रिलेटेड है। और जब हम पहले वाले घर में, अब तो हम उस घर में नहीं रहते, पहले जब रहते थे हम तो लाइक बहुत पुरानी बात है, ये 90s की बात है, 98-99, तब उस ज़माने में जो लड़कियां होती थी, टीनेज लड़कियां, वो ओउजा बोर्ड और इस तरह की चीज़ों में से बड़ा फैसिनेट होती थी, एंड माय खाला वाज वन ऑफ देम। मैं तो खैर बहुत छोटी थी, प्रॉबली आई वाज 8 or 9, तो मेरी खाला जो है वो टीनेज में थी, तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। तो अब ओउजा बोर्ड अवेलेबल तो था नहीं उस ज़माने में, किसी को पता नहीं था इतना कि क्या है क्या नहीं है, तो लड़कियाँ क्या करती थी, वो खुद एक चार्ट बना लेती थी, खुद एक चार्ट बना लेती थी और फिर उससे वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करती थी स्प्रिट से। तो मेरी खाला ने भी ऐसे ही किया, उन्होंने अपनी कुछ दोस्तों को जमा किया और उन्होंने ट्राई किया। पहली बार तो कुछ कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला उनको, सेकंड टाइम उनको बिल्कुल रिस्पांस मिला और जो ग्लास था वो मूव हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। तो वो उनको डर लगने के बजाय उल्टा और उनको यू नो एक्साइटमेंट और उनकी बढ़ गई कि अरे ये इट वर्क्स एंड वी शुड डू दिस। मतलब वो एक होता ना इंसान डर जाता है कि नहीं नहीं छोड़ो इन चीज़ों में, नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि अब और करूँगी मैं, अब तो मतलब रिस्पॉन्स भी मिल गया है, अब तो मज़ा आएगा। और उन्होंने जो है वो शी कंटिन्यू डूइंग इट और वो करते थे। उसके बाद क्या हुआ, घर में प्रेजेंस फील होना स्टार्ट हो गई, लिटरली जैसे लगता था खाला को बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि वो करती नहीं परफॉर्म ये ओउजा बोर्ड और ये सब, घर वालों को भी होने लगा लेकिन खाला के साथ ज़्यादा होता था। उनको लिटरली फील होता था कि जैसे उनके साथ कोई है, हर वक्त उनके साथ कोई है, उनको तंग किया जाता था, उनको घर पे कोई भी नहीं होता था और उनको कोई बुला रहा होता था, घर पे ही, घर से ही उनको बुलाने की आवाज़ें आती थी और घर पे कोई भी नहीं होता था। इस तरह के इंसिडेंट्स होने लगे उनके साथ। तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि बस अब इट्स हाई टाइम कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, इट्स नॉट गुड। और क्योंकि जो आप ओउजा बोर्ड के साथ ये करते हैं ना ये सब, आपको लगता है कि जो स्पिरिट्स हैं वो चली गई हैं, लेकिन नहीं, स्पिरिट्स नहीं जाती, वो वहीं रह जाती हैं, वो कभी नहीं जाती हैं। हमें नहीं पता कि हमें किस तरह उनको वापस भेजना है। आप बुलाना तो बहुत आसान है लेकिन एक बार वो आ गई ना और उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील करवा दी तो उनका वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इट्स एक ज़िंदगी और मौत की कशमकश तक इंसान पहुंच सकता है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी मजाक नहीं समझना चाहिए। खैर उन्होंने सोचा कि अब बस बंद कर देते हैं, बहुत हो गया, और मजाक किया तक ठीक था, बट नाउ इट्स यू नो इट्स गेटिंग वियर्ड एंड वियर्ड। तो उन्होंने बंद कर दिया ये सब, लेकिन जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वो और बढ़ गई, वो ख़त्म होने के बजाय और बढ़ गई। उनको बहुत ज़्यादा फील होने लगा कि उनके साथ हर वक्त कोई है, यू नो इट वाज लाइक समवन वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ हर। मतलब वो जो रूहें थीं वो नहीं चाहती थी कि वो ये ना करें, उनसे बात की जाए, वो चाहती थी कि उनसे बात की जाए और वो नुकसान नहीं पहुँचाती थी, लेकिन बस वो ये अपनी प्रेजेंस फील करवाती थी और वो कहती थी कि हमें नोटिस में लाया जाए, हमसे बात की जाए। खैर एक दिन क्या हुआ, वो सब बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, खाला और मामों और खाला की कुछ फ्रेंड्स थी, सब हम सब आपस में जो है वो बैठे हुए थे, मैं भी थी वहाँ पे, मैं भी थी, हम सब बैठे थे। तो क्या हुआ, अच्छा मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्या कर रही है, लेकिन खाला ने कहा कि लेट्स चेक दिस आउट कि अगर कोई रूह है ना, अगर इस घर में कोई रूह है तो वो अपनी प्रेजेंस फील करवा दे हमें, नहीं है तो अगर कुछ नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि सारी रूहें जा चुकी हैं। ओउजा बोर्ड पे उन्होंने नहीं किया, वैसे ही जनरली वो बैठी हुई थी और उन्होंने जस्ट ऐसे ही कहा रैंडमली कि भाई यहाँ अगर कोई रूह है वाकई जो हमारे बुलाने पे आई है और वो जो नहीं गई वापस, वो अगर रूह कोई ऐसी है तो हमें रिस्पॉन्ड करे और बताए, हमें एहसास दिलाए कि वो यहीं है। ऐसे ही उन्होंने रैंडमली कहा आउट ऑफ नो वेयर, उनको क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा उल्टा सीधा होगा। मिनाज भाई आप यकीन करें, जो बल्ब था ना उस ज़माने में, 90s की बात है, उस ज़माने में जो है वो बल्ब जो थे वो ऑरेंज कलर के, वो जो बल्ब होते थे ना, सेवर नहीं होते थे, सेवर बहुत कम होते थे, बल्ब होते थे,
वो बल्ब जो था रूम में लगा हुआ था वो एकदम से फटा है, वो ब्रस्ट हुआ है एकदम से। और वो एक ये बहुत बड़ी बड़ा साइन था कि वहाँ पे रुएं हैं, और उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल दिया। उसके बाद खाला बहुत डर गई थी, उन्होंने इन चीज़ों को मजाक समझा था, अब ये चीज़ें मजाक नहीं रही थी उनके लिए, और उनको वाकई लग रहा था कि यार ये कुछ मैंने गलत कर दिया, ऐसा इतना मुझे नहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए था। उसके बाद घर में लिटरली हमारा जीना अजाब हो गया। मिनाज भाई आप यकीन करें, कोई अगर वॉशरूम में जाता ना, उसको पीछे से नॉक किया जाता कि निकलो बाहर, लिटरली बाहर कोई, अच्छा अब जब वो बाहर आए तो कोई भी नहीं है, कोई इंसान नहीं होता था। घर में ऐसा बहुत दफ़ा हुआ कि मेरी जो खाला थी जो ये सब करती थी उनको नज़र आते थे, एंड शी फेंटेड ऑल्सो। बस एक लॉन में बैठी हुई थी एक दिन एक शाम, और वो लॉन में बैठी हुई थी और वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उन्होंने बताया कि मुझे लॉन में 2-3 लोग नज़र आए हैं सफ़ेद कपड़ों में, और वो मुझे लगता है वही रूहें हैं जिनको मैंने बुलाया है, जो रुक गई हैं और वो मुझे तंग कर रही हैं अब, और वो चाहती हैं कि मतलब वो मुझसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं, क्या है आई डोंट नो, लेकिन उनको नज़र आई और वो बेहोश हो गई। अच्छा सिर्फ खाला को नज़र आते थे, नज़र किसी और को नहीं आते थे, सिर्फ खाला को नज़र आते थे, दूसरों को फील होता था, होती थी प्रेजेंस। एक दफ़ा क्या हुआ, मामू जो थे हमारे वो नहा रहे थे, अच्छा ही वॉज टेकिंग बाथ। अब घर पे कोई भी नहीं था, ये हम लोग स्कूल थे शायद, हाँ हम छोटे थे स्कूल थे, खाला भी कहीं किसी काम से गई हुई थी, तो घर पे मामू अकेले थे, ही वॉज टेकिंग बाथ, घर पे कोई भी नहीं था। उनको लिटरली किसी ने नॉक करके कहा है कि तुम, उनका नाम लिया और कहा कि तुम बाहर आ जाओ, तुम बाहर आओ। मतलब अच्छा उन्होंने कहा कि हो सकता कोई आ गया हो, घर आ गया हो कोई, मुझे कोई बुला रहा है कि भाई बाहर आओ, उसको भी वॉशरूम जाना होगा या कुछ होगा। मामू कह रहे हैं मैं बाहर आया और मैंने देखा कोई भी नहीं था, पूरा घर मैंने छान मारा कोई भी नहीं था, सब गए हुए थे अपने अपने काम से, यू नो। तो मामू बहुत डर गए कि ये क्या था, मतलब ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अब ये मेरे साथ भी हो रही है ये चीज़ें। उसके बाद फिर हमें एक स्कॉलर को बुलाना पड़ा, उनको सारी सिचुएशन बताई कि भाई ये सीन है और इस तरह का हमने किया था रूहों से, उन्होंने बहुत समझाया हमें कि ये आपको नहीं करना चाहिए था, आपने इन चीज़ों को मजाक बनाया और उसका ये अब आपको आपसे बदला लेना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं कि भाई हम आ चुके हैं, अब हमारा इनका जाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कुछ पढ़ाई वगैरह करवाई, हमने कुरान खानी भी करवाई थी, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, पहले नहीं होती थी इतनी, लेकिन फिर सब ने नमाज़ पढ़ना शुरू की और सब घर पे नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद जैसे एक खामोशी नहीं छा जाती, एक सन्नाटा हो जाता है, वैसे सब कुछ थम गया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये हुआ कि ये सब रूहें और ये सब प्रेजेंस फील होना तो बंद हो गई, लेकिन मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ कि मिनाज भाई आप यकीन करें मैंने आज तक नींद में नहीं चली, मैं मेरी आदत ही नहीं है नींद में चलने की, मैं बिल्कुल भी नींद में नहीं चलती, मेरे दूसरे बहन भाइयों को है लेकिन मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है नींद में चलने की, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दफ़ा क्या हुआ, रात के तकरीबन 2-3 बज रहे होंगे, अच्छा मेरी एज है तकरीबन 8-9 साल, रात के 3 बजे मैं उठ के जाती हूँ और मैं क्या करती हूँ, लॉन में एक हमारा झूला लगा हुआ था बच्चों के लिए, हमारे अब्बू ने लगवा के दिया था, उस झूले में जाके बैठ गई मैं रात के 3 बजे, और मैं झूला लेने लगी। मुझे फिर मम्मा ने ढूंढा कि कहाँ है शहर कहाँ है, वो फिर मुझे ढूंढने आई हैं लॉन में, तो वो उन्होंने आके देखा कि मैं लॉन में एक झूले के पास बैठी हुई हूँ। सुबह उन्होंने मुझे उठाया, मुझसे पूछा, उस वक्त तो खैर कुछ नहीं कहा, उस वक्त कहा कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम चलो अंदर चलो जाके सो। उन्होंने फिर सुबह मुझसे पूछा कि तुम क्यों गई थी लॉन में रात के 3 बजे। लिटरली मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कब गई, मैं कब उठी हूँ, क्या किया है मैंने, आई डोंट नो, मुझे नहीं याद थी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि मैं शायद नींद में चली, लेकिन एक बच्ची जो कभी नींद में चली ही नहीं है वो कैसे मतलब रात के 3 बजे जाके लॉन में बैठ जाएगी, मतलब लॉन में वो भी, हाउ इज़ इट पॉसिबल। मुझे तो ये लगता है कि शायद मुझे कोई वहाँ पे ले गया था, किसी ने मुझे वहाँ पे बुलाया था, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं वहाँ पे क्यों गई थी, कब गई थी, कैसे गई थी, मुझे नहीं याद, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद। इस तरह के इंसिडेंट्स होने लगे, और बहुत दफ़ा ऐसा फील होता कि घर पे कोई भी नहीं होता और मामा को फील होता कि लॉन में कोई उनको आवाज़ लगा रहा है या मेरा नाम ले रहा है, हम जब सब बहन भाई
हमें कोई बुला रहा है आवाज़ दे के, जाके देखती तो लॉन में कोई भी नहीं होता। तो मतलब इस तरह फील होने लगा कि जैसे वो रूहें रुक गई हैं, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और खाला की एक क्या कह सकते हैं, बचपने ने हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया था। और उसके बाद फिर हमें वो घर छोड़ना पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। अच्छा, उस घर को छोड़ा तो हमने जिस जिन लोगों को वो सेल आउट किया उनको हम नहीं जानते थे, उन्होंने फिर किसी और को आगे सेल आउट कर दिया। हमने बता दिया था स्टार्टिंग में कि भाई यहाँ पे कुछ हैं असरात वगैरह, हमने कुरान खानी वगैरह करवाई है, लेकिन या अब आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर आप लें या ना लें। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन बातों पे यकीन नहीं रखते, हम लेंगे प्रॉपर्टी, हमें चाहिए, हमें ज़रूरत है, और हम इन बातों में यकीन नहीं रखते। आपने कुरान खानी करवा दिया तो बस ठीक है, इट्स ओके। फिर उन्होंने किसको आगे सेल किया, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। लेकिन उस घर की बाद में पता चला कि वहाँ से किसी की डेड बॉडी मिली है। एक औरत थी कोई, वो रहती थी वहाँ पे, और रात को उनकी डेड बॉडी मिली है। और वो जो है वो बिल्कुल, उनका इंतकाल हो चुका था। और फिर बाद में पता चला कि उनका हार्ट फेल हुआ था, जो उनका उनके घर वालों ने उनका पोस्टमार्टम करवाया, क्योंकि उनको लगता था कि शक था कि किसी ने मर्डर किया है। क्योंकि वो बिल्कुल कोई इतनी बूढ़ी औरत भी नहीं थी, मुश्किल से वो 30-35 साल की होंगी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनका उनकी जो डेथ है, जो कॉज ऑफ डेथ था, वो हार्ट अटैक था। और एंड एंड वो हार्ट अटैक, मतलब एक 30-35 साल की औरत को हार्ट अटैक हो जाता है एक अकेले घर में, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि उस औरत की डेथ कैसे हुई, क्या हुई, क्यों हार्ट अटैक हुआ। हो सकता है उन्होंने कुछ देखा हो, बिल्कुल हो सकता है उन्होंने कुछ देखा हो, क्योंकि जब उस घर में अकेला इंसान नहीं रह सकता, उस घर में अकेले आप रहोगे ना तो आपको लिटरली फील होगा कि आप अकेले नहीं हैं वहाँ पे, आपके साथ 3-4 लोग और रह रहे हैं। ऐसा फील होता है, नज़र कोई भी नहीं आता, लेकिन फील होता है कि यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, ये फील होगा आपको। खैर, ये घर गुलशन में ही है। और टू बी मोर स्पेसिफिक, एक शाहीन स्टोर है, एक सुपर स्टोर है वहाँ पे, शाहीन स्टोर। बस वो अगर आप किसी को, किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे। वो एक बहुत फेमस स्टोर है, शाहीन स्टोर, उसी की साथ में गली में वो बस घर है। बस मुझे ये मैसेज देना था, मुझे बताने का मकसद ये है, आपको अपना इंसिडेंट शेयर करने का मकसद ये है कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि खुदा के वास्ते इन चीज़ों को मजाक मत लें। ये चीज़ें बहुत दूर से अच्छी लगती हैं कि फैसिनेटिंग हैं, यू नो, जब हम एक उस मखलूक से बात करेंगे जो यूजुअली नहीं पाई जाती हमारे बीच, हम उनसे बात करेंगे, वो हमें रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं, आप इसको मजाक में नहीं लें। एक दफ़ा वो रूहें आ जाएंगी ना, उसके बाद वो आपको नहीं पता कि उनको वापस कैसे भेजना है। वो आप ओउजा बोर्ड पे आप वो परफॉर्म तो कर देंगे, वो एक्टिविटी उनको बाय कहने की, वो एंड में आप गुड बाय कह देते हैं ना उन रूहों को, तो गुड बाय तो आप कह देंगे, लेकिन आप इस बात की क्या गारंटी है कि वो चले गए हैं? इस बात की आप कोई गारंटी दे सकते हैं कि वो चली गई हैं रूहें? वो नहीं जाती, वो रुक जाती हैं घर पर। तो अपने और अपने घर वालों का सोचें, और अपने आसपास रहने वाले लोगों का सोचें। मुझे बस ये मैसेज देना था कि प्लीज़ इन चीज़ों को मजाक मत समझें। ये चीज़ें हैं, जिन्नात हैं, बिल्कुल हैं, कुरान पाक में जब है तो है, उसकी आगे कोई बहस करने की कोई मकसद बनता नहीं है।